गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर 2019 टू 2021 सी टू यूनिट टू नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन भारतीय शिक्षा का मानक झलक लेक्चर नंबर 11 शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के मध्य उभरती प्रवृत्तियों की प्रासंगिकता पर अपना मंतव्य दें, यही प्रश्न है। उत्तर में कुछ मुख्य बिंदुए हैं, तो बिंदुवार हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला बिंदु है राजनीति शब्द का अर्थ। हम जानते हैं कि हिंदी शब्द राजनीति अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर है और अंग्रेजी का शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से लिया गया है, POLIS। यूनानी भाषा में पॉलिश शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य, सिटी स्टेट। क्योंकि उस समय यूनान में अनेक छोटे छोटे राज्य नगर राज्य थे, यूनान अनेक छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था, इसलिए पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति उसी पॉलिश शब्द से हुई। आगे चल करके वे ही छोटे छोटे नगर राज्य राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय राजधानी नगर में परिणत हो गए और राजनीति के शब्द की शुरुआत यूनान से ही होती है। पहले इसका अर्थ था राज्य चलाने की नीति ही राजनीति कहलाती थी। कैसे नीति निर्धारण किया जाए कि जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो, कैसे शासन का संचालन किया जाए, कैसे नीति निर्धारण किया जाए कि अधिक से अधिक जनता लाभान्वित हो, इसी को राजनीति कहते थे। लेकिन बदलते हुए परिवेश में राजनीति शब्द के अर्थ भी में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया और आजकल राजनीति का जो अर्थ है वह गंदी राजनीति के रूप में प्रचलित हो रहा है। आजकल भारतीय शिक्षा जगत में राजनीति जो है वह गंदी राजनीति का ही बोलबाला है, जो हमारे यहाँ पॉइंट नंबर 2 में है। और आजकल शिक्षण संस्थाएं भी इससे वंचित नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में भी हरावर आंदोलन, हरावर हिंसा, रक्तपात इत्यादि हो रहे हैं, जो कि राजनीति के असल स्वरूप से गंदी राजनीति की ओर भटकाव का संकेत है। राजनीति के आजकल शिक्षण संस्थानों में 4 मोहरे हैं। प्रबंध समितियों के प्रशासक, शिक्षक, छात्र और अधीनस्थ कर्मचारी, जिसमें लिपिक और आदेशपाल आते हैं। राजनीति के मुख्यतः 2 क्षेत्र हैं, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय तथा उनके अधीनस्थ महाविद्यालय। इन्हीं क्षेत्रों में आजकल इस गंदी राजनीति का ज्यादा बोलबाला चल रहा है, जहां पर गुटबंदी के आधार, गुटबंदी के भी कई आधार है लेकिन खासकर जातिगत जो गुटबंदी है वह चरम सीमा पर है। शैक्षिक माहौल पूर्णतः इससे दूषित हो गया है। पहले जो विद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, पठन पाठन का माहौल था, शिक्षक को देख करके छात्र नतमस्तक हो जाते थे, उनको अपना गुरु मानते थे, ईश्वर का अवतार मानते थे। आज यह कोसों दूर होता जा रहा है यह परंपरा। अब है कि संकीर्ण एवं गंदी राजनीति के भयंकर परिणाम आ रहे हैं। नंबर 1, छात्रों में अनुशासनहीनता की वृद्धि हो रही है। छात्रों को पढ़ाई तो वहां मिलती नहीं है, अध्ययन अध्यापन महाविद्यालय में होता नहीं है, इसीलिए छात्र जो है निरंतर अनुशासनहीन बनते जा रहे हैं।
दूसरा अध्यापक वर्ग का मन अध्ययन अध्यापन से अब विमुख हो रहा है, उनको अध्यापन की फुर्सत कहा है। यहां पर हमेशा गुटबंदी, तालाबंदी, हिंसक कार्रवाइयां करने के लिए छात्रों को उकसाना, छात्रों को ये लोग अपने टूल्स के रूप में मानते हैं और जहां तहां उनका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो अध्ययन अध्यापन से विमुख हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो शिक्षक को छात्र पहचानते ही नहीं है, महाविद्यालयों में वे पहचानते हैं किनको, तो केवल जो कर्मचारी वहां पर हैं, जो लिपिक हैं, जो उनका नामांकन लेते हैं, जो आदेश पारा रहते हैं, इन्हीं दो को पहचानते हैं। बहुत सारे छात्र जो हैं अब वे महाविद्यालय में शिक्षक को पहचानते भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक से उनका कोई तालमेल ही नहीं है। संस्थाओं में आजकल जहां पठन पाठन होता था, शांतिपूर्ण माहौल होता था, जहां पर सब एक दूसरे से शिक्षक और छात्र पुत्रवत जुड़े हुए थे, वहां पर अध्ययन अध्यापन के जगह पर दंगे हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, हत्याएं इत्यादि हरकतें हो रही हैं। अभी हम लोगों ने जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये जो हरकतें हो रही है, उसमें JNU विश्वविद्यालय भी आता है, जो देश के इन्हे गिने विश्वविद्यालयों में शीर्षस्थ विश्वविद्यालय है, वहां जो हरकते हो रही हैं, और भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है, यह किसी दृष्टि से शोभनीय नहीं कहा। शिक्षा और छात्रों का अपने लक्ष्य से भटकाओ, शिक्षा भी अपने लक्ष्य से भटक रही है और छात्र भी अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। उनका उद्देश्य अब पठन पाठन नहीं रह गया है, उसमें अधिकांश छात्र जो हैं, बहुसंख्यक जिनको कह सकते हैं, वे अध्ययन अध्यापन से कोसों दूर होते जा रहे हैं और गंदी राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं। इसमें प्रतिभाशाली एवं अध्ययनशील बालकों के लिए और भी कठिनाई हो रही है, चूंकि इनकी संख्या कम होती है, पढ़ने वाले जो छात्र हैं वे बहुत कम होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र भी कम होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो अधिकांश छात्र हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उनकी चूंकि बहुसंख्यक स्थिति होती है, तो उनकी बात को इन्हें मानना पड़ता है और इनको और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के चरम लक्ष्य एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई, जीवन का जो चरम लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति करना, हमारे भारतीय मनुष्यों ने कहा था अपने कर्म के द्वारा, नदी का समुद्र में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, उस लक्ष्य से हमारा इस शिक्षा से भटकाव हो रहा है। और राष्ट्रीय लक्ष्य जो हमारे हैं, पहले राष्ट्र है तब हम हैं, माया के जगह पर हम हैं, एवं क्षेत्र के क्षेत्रवाद की जो झगड़ा चल रही है, भाषावाद की झगड़ा चल रही है, ये सब जो है यह बहुत ही अशोभनीय है ना। तो हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी इससे कठिनाइयां आ रही हैं, इन दंगे फसाद होने से। शिक्षक का श्रद्धा एवं सम्मान के पात्र नहीं रहे, चूंकि इनको जब छात्र पहचानते ही नहीं है कि कौन शिक्षक हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या पेपर है, तो इनके प्रति उनमें श्रद्धा और सम्मान की भावना दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शिक्षण संस्थाएं जहां पर पढ़ाई होती थी, यहां पर बैठ करके किसी वास्तविक लक्ष्य की ओर पहुंचने का मार्ग खोजा जाता था, जो छात्र को समझ में नहीं आता था, शिक्षक उनकी समस्याओं को दूर करते थे। इतना ही नहीं, छुट्टी के अवकाश के दिनों में भी जिन प्रोफेसर्स का, जिन टीचर्स का कोर्स पीछे रहता था, अवकाश के दिनों में भी छात्रों को बुलाकर कोर्स पूरा कराते थे, और कोर्स पूरा कराना, सिलेबस पूरा कराना शिक्षक का दायित्व होता था। शिक्षक उस समय के जो प्रोफेसर लोग भी थे, वे पढ़ाते भी थे और छात्र को नोट्स भी देते थे। हम
जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उस क्षेत्र के का एक ही महाविद्यालय था, महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय बेतिया, यहां पर मोस्टली वीकर सेक्शन के ही बच्चे पढ़ते थे, चंपारण तो ऐसे ही पिछड़ा इलाका, उनके पास पुस्तक खरीदने के भी रुपये नहीं होते थे। लेकिन चूंकि प्रोफेसर के क्लास वे लोग रोज करते थे, हम लोग रोज करते थे, इसलिए उनके नोट्स से ही हम लोग का काम चल जाता था। आज के प्रोफेसर लोग जो सुनने में आता है कहते हैं प्रोफेसर का काम लिखाना नहीं है, तो प्रोफेसर का काम लिखाना नहीं है तो बच्चा जो लिख कर लाता है उसको तो चेक करना है, उसको तो अच्छी राय आपको देना है, कैसे उसका सुंदर नोट्स होगा, तो यह काम कीजिएगा नहीं, वह काम कीजिएगा नहीं। तो शिक्षण संस्थाएं जो है दलबंदी के अखाड़ों में तब्दील हो रही है। नेक्स्ट है परीक्षाओं की गंभीरता पर सवाल या निशान लगना। आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं वह उन पर भी अब सवाल या निशान लग रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं की पवित्रता भी अब बाधित हो रही है। छात्र जो है एन केल प्रकार है ना, परीक्षा पास कर लेना ही अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, चाहे उसके लिए हिंसात्मक कार्रवाई करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, किसी तरह नकल करना पड़े, कदाचार करना पड़े, ये केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का हाल जानते हैं। इसलिए यही कारण है कि आज के जो पढ़ लिख करके जो छात्र निकल रहे हैं, हम लोग तो डिग्री को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं उनकी, लेकिन जो उनका माहौल है वह काफी, जो उनकी स्थिति है कहना नहीं चाहिए डिग्रीधारी लोगों का, वह बहुत ही दयनीय है, वह नहीं होना चाहिए। डिग्री है, हम डिग्री को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन डिग्री के लायक योग्यता भी होनी चाहिए। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में उपरोक्त प्रकार की गंदी राजनीति भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर समय रहते इस मुक्ति नहीं पाई गई तो आगे चल करके यह देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। विद्यालय को महाविद्यालय को विद्यालय ही रहने दिया जाए, महाविद्यालय को महाविद्यालय रहने दिया जाए, इसको पठन पाठन तक ही सीमित रखा जाए, इसको नीचे उतारने की कोशिश न की जाए, गंदी राजनीति में घसीटने की कोशिश न की। धन्यवाद।